करते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच एटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, कैसे ट्रेड करें आज वहाँ पर? गुड मॉर्निंग पूजा जी। आई थिंक सोने और चांदी कल सीमित दायरे में थे, कल यूएस का मार्केट बंद था, बट अभी भी अंडरटोन देखिए तो थोड़ा बुलिश है, ऑल्दो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। मुझे लग रहा है ये भी थोड़ा कंसोलिडेशन ही हो जाएगा, बट ओवरऑल अभी भी बैंड डेप्थ दोनों में रखना चाहिए। सोने की बात करें तो अराउंड 71,600 पे बाय कर सकते हैं 71,900 के टारगेट के लिए, और चांदी की बात करें तो 89,200 के करीब आती है, 88,800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 89,800 का। ओके, तो गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में ही आज आप तेजी करके चल सकते हैं। 71,900 के टारगेट होंगे गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए 89,800 स्टॉप लॉस आपको बता दिया है, तो ये रणनीति होगी गोल्ड और सिल्वर के लिए। भावी जी, कच्चे तेल में आज हम क्या करें? $85 के आसपास अभी फिलहाल स्टेबल दिखाई दे रहा है, अब आगे के लिए क्या टारगेट्स वॉच करेंगे कच्चे तेल पर? आई थिंक कच्चे तेल में थोड़ा एक्सॉशन दिख रहा है। हमने 6100 से 6800 की लगातार वन वे रैली देखने को मिली है। कल अगर देखे तो कोई फॉलोअप बाइंग नहीं हुई थी, आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी आ सकती है, क्योंकि वन वे हमने अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली। तो आई थिंक आज के दिन थोड़ा दबाव में रह सकता है, तो बेच के चल सकते हैं 6760 के करीब, 6700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6800 का, सॉरी 7000 लिखा है, बट 6800 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब तेजी थोड़ी सीमित दिखाई दे रही है यहाँ से कच्चे तेल में, तो कोई भी बढ़त आए बिकवाली करके चलिए। 7000 का स्टॉप लॉस होगा, 6700 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। भाभी जी, मेटल्स में क्या करें? कल मुझे याद है कि आप जिंक में काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, आज भी वहां पर ही मोमेंटम देख रहे हैं? जी जरूर, आई थिंक सारे बेस मेटल में जिंक अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और टेक्निकली भी देखे तो आई थिंक जब तक 255 के नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक बैंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। कल भी हमने 262 के नियरली टारगेट देखे थे, आज भी मुझे लग रहा है वापस से वो रीटेस्ट हो सकता है, तो आज के दिन अगर 259 के करीब आता है तो 262 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 257 के स्टॉप लॉस। ठीक है, थैंक यू भाविक जी समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए आज हमारे दर्शकों के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर, जिंक, इन तीनों में तेजी की सलाह है। जिंक में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है मेटल्स की अगर बात करें तो, और अगले टारगेट्स अब दिखाई दे रहे हैं 262 के। जिंक में स्टॉप लॉस होगा 257 का, और वहीं कच्चे तेल में बिकवाली करने की सलाह 6700 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 7000 का। यह है ट्रेडिंग आइडियाज कमोडिटी मार्केट।